तीनी बैग? इसका मतलब है परोमिता ने फिर से अपनी पैकिंग नहीं की। ये लड़की हमेशा देर करवाती। प्रीति भाभी गाड़ी तैयार है। ठीक है मदन, तुम ये सारी बैग्स अंदर रख लो, पुश करके आते ही हम निकल जाएंगे। आई होप सुलोचना दीदी तैयार हो गई हो। कुछ मदद? नहीं बस। तो परोमिता जी, फाइनली आपकी पैकिंग हो ही गई है। क्या करूं दीदी, मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूं, पैकिंग कर समझ में नहीं आता मैं क्या रखूं और क्या नहीं। भाभी ये सही कह रही है, वो तो क्या है ना कि मैंने इसकी मदद कर दी, वरना कल सुबह तक इसकी पैकिंग नहीं होती। बस बस, इतना क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। ये मत बोलो, इस बार घूमने जाने का प्लान मैंने बनाया। क्यों दीदी? हाँ ये बात तो सच है। प्रीति जरा सुनना, अम्मा जी आपको बुला रही हैं। सब इंतजाम हो गया ना? बिल्कुल, मदन ने जगह भी देख ली है। क्यों मदन, काम को अंजाम देने के लिए जगह ठीक है ना? जी हाँ, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, इंसान का तो वहां नामो निशान भी नहीं है, और वो डाक बंगला बरसों से सुना पड़ा हुआ है। हमें बिल्कुल ऐसी जगह चाहिए थी। ये अंग्रेजों के जमाने का डाक बंगला है, वहां लोग आसपास भटकते तक नहीं हैं, और अफवाहें हैं कि वहां आत्माएं वास करती हैं। तो चलो, क्यों ना हम उन अफवाहों को सच साबित कर दें। वाह परोमिता वाह, सफेद ड्रेस और घुंघरू, तुमने तो आत्मा बनने का पूरा इंतजाम कर लिया। अच्छा मदन, तुम्हारे उस आदमी हरिया से बात हो गई है ना? हाँ भैया, मेरी सारी बातें हो गई है, वो उसी इलाके का है, मैंने उसे एडवांस भी दे दिया है। शाबाश मदन, अब सारा पाप करेंगे हम, और इल्जाम आएगा उस आत्मा पर जो कि है ही नहीं। अब जल्दी से सारा प्लान मुझे वापस बताओ। हमारी गाड़ी ठीक ठाक बंगला के सामने जाकर खराब हो जाएगी। कितनी जोर की बारिश हो रही है। अरे अरे क्या 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 कर रहे हो मदन? क्या कर रहे हो मदन? क्या हुआ मदन? पता नहीं, देखता हूँ पुष्कर भैया। अरे क्या हो गया? एक मिनट भाभी, एक मिनट, मैं जरा देख। हमें देखना चाहिए। क्या हुआ मदन? लगता है भैया गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। ये अब इतनी सुनसान रोड पे इस वक्त मैकेनिक भी कहाँ मिलेगा? नहीं भैया, यहाँ पे एक डाक बंगला है, अच्छा होगा कि हम लोग चल के बात करते हैं, कहीं रहने का व्यवस्था हो जाए। कोई है? अरे भाई कोई है? कोई है? हेलो, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है,
और आसपास कोई होटल भी नहीं है रहने के लिए। क्या हम आज की रात इस डाक बंगले में काट सकते हैं? भैया इसे कुछ पैसे दो। सिर्फ एक रात की बात है, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। ठीक है, पर क्या? आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। सुरक्षा? क्या यहाँ आसपास कोई डाकू वाकू है? नहीं, ये डाक खाना काफी समय से बंद पड़ा हुआ है, और जो जगह काफी समय से बंद हो उस जगह पर अनजान शक्तियों का वास हो जाता है। ठीक है भाई, बस आप हम लोगों को सर छुपाने की जगह दे दीजिए, अपनी सुरक्षा का बीड़ा हम लोग खुद उठा लेंगे। ठीक है भाई साहब, वो कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम हो सकता है? यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, पर हाँ इस जंगल के पीछे एक बाजार है, आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो वहां कोई दुकान खुली हुई मिल जाएगी। ठीक है भैया, मैं कुछ ना कुछ बाजार से लेकर आता हूँ। देखो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। अच्छा सुनो, कुछ पैसे तो लेते जाओ। एक मिनट भैया, मैं देता हूँ। अच्छा सुनो, और वो सामान भी लेके आओ। जी भैया। ओके चलो राघव, हम गाड़ी से सामान ले आते हैं। हाँ गुरु की आवाज। ये घुंघरू की आवाज इस जंगल में? हाँ? नहीं नहीं घुंघरू की आवाज। कौन हो तुम? कुर्सी ऐसे हिल क्यों रही है? हवा से हिल गया होगा प्रीति। नहीं पुष्कर, ये तो ऐसे हिल रही है जैसे इस पर कोई बैठा हो। हाँ शायद इस पे कोई ऐसा आदमी बैठा है जो शायद हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज राघव, ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। एक तो यहाँ पर लाइट्स भी नहीं है। भाई साहब ये लाइट्स कब तक आ जाएगी?
यार ये बंगला कम से कम 100 साल पुराना तो होगा ना। हालत देखकर तो ये लगता है। यहाँ पर तो सारे कमरे खुले हैं, सिर्फ ये कमरा बंद क्यों है? क्योंकि इस कमरे में मेरी मालकिन का सामान पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा है क्या इस कमरे में? यह जानने की ना तो तुम्हें जरूरत है और ना ही कभी जानने की कोशिश करना। यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है वाकई में ही मेरे कान बज रहे थे। लेकिन घुंघरू की आवाज तो कितनी साफ सुनाई दे रही थी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। यहाँ पर कोई स्टोव भी नहीं है, वरना नाश्ता तो बना लेते। है ना, स्टोव है यहाँ। स्टोव है पर कहाँ? यहाँ नीचे एक तहखाना है। तहखाना? हाँ, तहखाना। वैसे नीचे कोई पुरानी चीजें पड़ी है और वहाँ आपको स्टोव भी मिल जाएगी। अरे वाह, चलो चल के ले आते हैं। चलो इस मदन की तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। उसकी वजह से हमारा पूरा प्लान डिले हो गया और तुम्हारा वो घुंघरू पहनकर चलना भी बेकार गया। मेरा घुंघरू पहनकर चलना? हाँ, कल रात को तुम्हारा वो घुंघरू पहनकर चलना सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए थे। ऐसा लगा था कि सचमुच की आत्मा तो नहीं आ गई। राघव,
कल रात मैंने कोई घुंघरू नहीं पहने थे। क्या ये तुम क्या कह रही हो? इनफैक्ट मैं इतनी थक गई थी, कल लेटते ही सो गई। तुम सच कह रही हो? हाँ। अगर तुम सो गए थे तो कल यहां घुंघरू पहनकर कौन घूम रहा था? राघव, सच में यहाँ कोई आत्मा तो नहीं है ना? नहीं, मैं वो शायद मेरा वहम होगा। खैर मैं एक काम करता हूँ, मदन को ढूंढ के आता हूँ, ठीक है? जल्दी आना। हाँ। शे, ये मदन कहाँ रह गया? उसकी वजह से सारा प्लान। घुंघरू की आवाज, परोमिता यहां कैसे? मेरा वहम होगा। मदन, कौन है वहां? कौन? छोड़ दे मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? कौन है यहाँ पर? सुलोचना दीदी, मैं यहाँ बंद हो गई हूँ। ये तो वही घुंघरू की आवाजें हैं। कौन है? कोई है यहाँ पर? कौन है? क्या हुआ? वो स्टोव जल नहीं रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलो हम कुछ और इंतजाम करते हैं। चलो।
मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मदन तो पहले से ही गायब था और अब ये राघव अभी तक लौट कर नहीं आया। उसका फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, शायद मैकेनिक की तलाश में इधर उधर भटक रहा होगा। मैं उसे देख कर आता हूँ। पुष्कर, तुम मत जाओ। ये ठीक कह रही है। इस जंगली इलाके में रात मौत बन के आती है। सुबह ढूंढ लेना। क्या हमें अब इस बंगले में एक रात और रुकना पड़ेगा? नहीं, आप लोग आराम कीजिए, मैं आसपास पता करके आता हूँ। पुष्कर, रहने दो ना पुष्कर, बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह देख लेंगे। मुझे जाने दो प्रीति, वैसे भी चिंता में मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। पुष्कर प्लीज। मैं प्लीज थोड़ी देर में आता हूँ, प्लीज। मरेगा, ये भी मरेगा। सुनिए, कौन लड़की है? सुनिए। पुष्कर। परोमिता, तुम? क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, वो मैंने अभी अभी किसी को यहाँ सफेद ड्रेस में देखा। तुमने किसी आत्मा को देखा? ये मजाक का वक्त नहीं है परोमिता, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी भी किसी को देखा यहाँ पे। अच्छा बाबा, सॉरी, अभी तो नहीं है ना, अभी सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों यहाँ है ना। आई लव यू परोमिता। आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ परोमिता। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें डाक बंगले से निकलते हुए देखा तो मैंने सोचा मैं भी। परोमिता, कुछ ही दिनों की तो बात है, अगर किसी को अभी शक हो गया तो सब खराब हो जाएगा। तुम जाओ, मैं हरिया से मिलकर आता हूं। ये तो क्या कह रहे हरिया, अगर मदन कल तेरे से नहीं मिला तो वो गया कहां? वो सब अपने को नहीं मालूम, पर आज रात आपका काम हो जाएगा। ठीक 2 बजे मैं उस डाक बंगले पर पहुंचाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारा कमरा कॉरिडोर के बाई तरफ है। आज रात अपने घर का दरवाजा खुला रखना साहब। लेकिन और तो कोई नहीं होगा वहां? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं भी किसी बहाने से बाहर निकल जाऊंगा और घर के बाकी सभी लोग सो रहे होंगे। लेकिन हाँ, हमारा काम तो हो जाएगा ना? फिक्र मत करो साहब, आज की रात आपकी बीवी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। तुम ये रखो।
क्या हुआ प्रीति, तुम चिल्लाई क्यों और तुम बेहोश कैसे हो गई? पुष्कर, मैंने एक बहुत ही भयानक नजारा देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। ऐसा क्या देख लिया तुमने? पुष्कर, यहाँ पे एक अंग्रेज औरत थी, वो एक आदमी को मार रही थी, अपने दांतों से उसकी नसें काट के। उसके सर पर हैवानी अच्छाई हुई थी। अंग्रेज औरत किसी को मार रही थी? ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? जब हम सब यहाँ अभी कमरे में आए, यहाँ पे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। पुष्कर, मेरी बातों का यकीन कर, मैं सच बोल रही। हो सकता है वो अभी भी यही कहीं हो और उसने वो लाश छुपा दी हो। कैसी अंग्रेज औरत प्रीति? तो पहले ही हम मदन और राघव की वजह से इतने परेशान हैं, तुम ये ऊपर से कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? दादी, क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा होता तो फिर मैं बेहोश क्यों होती? बेटी, मैं ये तो नहीं जानती कि जो तुम कह रही हो वो सच है या तुम्हारा भ्रम है, पर इस मनहूस जगह पर हम लोग ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। लेकिन दादी, जब तक मदन और राघव का पता नहीं चल जाता, हम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं? देखो, हम लोग कल तक मदन और राघव का इंतजार कर लेते हैं, और अगर कल तक भी वो लोग नहीं आए तो हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे और पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे। प्रीति, अब तुम सो जाओ। हो सकता है कि थकान की वजह से तुम्हारे दिमाग में ऐसी वैसी बातें आ रही हों। तुम सो जाओ। किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं, पर जो मैंने देखा है वो मेरा वहम नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। राघव और मदन का यहाँ आते ही इस तरह गायब हो जाना, रात को वो घुंघरू की आवाजें, और जो मैंने आज देखा, आखिर कौन थी वो? यहाँ पर तो सारे कमरे खुले हैं, सिर्फ ये कमरा बंद क्यों है? क्योंकि इस कमरे में मेरी मालकिन का सामान पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा है क्या इस कमरे में? ये जानने की ना तो तुम्हें जरूरत है और ना ही कभी जानने की कोशिश करना। अरे ये चाबी तो देखो, आजकल की चाबियों से कितनी अलग है ना। मैं हूं पुष्कर। पुष्कर, पुष्कर तुम इस वक्त, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब सो रहे थे। अच्छा, ये हरिया कहां रह गया? पता नहीं कहां मर गया। मैंने खुद उसको पैसे देकर 2 बजे आने को कहा था, लेकिन अब तो 4 बजने वाले हैं। चीख सुनकर तो ऐसा लगा जैसा हमारा काम ही हो गया, मगर वो नाकिन अब तक जिंदा है। लेकिन अब ज्यादा देर नहीं, आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। वो कैसे? तुम बस मेरा प्लान ध्यान से सुनो। तुम वो सफेद ड्रेस और घुंघरू पहनकर उसका दरवाजा खटखटाओगी, वो दरवाजा खोलेगी, तुम कॉरिडोर वाले रास्ते से होकर बालकनी में जाना, आत्मा समझकर वो तुम्हारा पीछा करेगी बस, और फिर तुम उसको उस वक्त बालकनी से धक्का दे देना, और फिर सब सुबह सोचेंगे कि उस आत्मा ने उसको मार डाला। Thank you.
गई वो चाबी? यही तो थी। लगता है ये वही बंद दरवाजे की चाबी है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, घुंघरू, लगता है ये कमरा किसी नाचने वाली का था। पुष्कर, वो अंग्रेज औरत के साथ 1945, 65 साल पुरानी तस्वीर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? बाबा, ये मेरे पति और इस औरत की तस्वीर, ये सब क्या है? पुष्कर तुम्हारे इस जन्म का पति है और ये फोटो उसके पिछले जन्म का है, जब वो मेरी मालकिन मर्लिन का पति था। पिछले जन्म का फोटो? हाँ, बात सन 1945 की है, जब पहली बार मर्लिन मेम साहब अपने पिता के साथ इस डाक बंगले में आई थी। कुछ ही दिनों में उन्हें हमारा देश, यहाँ के रीति रिवाज, तीज त्योहार सब इतने भागे कि वो दिल से हिंदुस्तानी बन गए। यहाँ तक कि हमारे देश के लोक नृत्य से भी वो इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद वो नृत्य एक मास्टर से सीखना शुरू कर दिया। और वो मास्टर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे इस जन्म का पति पुष्कर था। मर्लिन मेम साहब को पता भी नहीं चला कि कब वो उस मास्टर के इतने नजदीक आ गई कि उनका रिश्ता गुरु शिष्य का ना रहकर दो प्रेमियों का बन गया। पिता के जाने के बाद जो खालीपन उनकी जिंदगी में आया, उसे दूर करने के लिए उन्होंने उस डांस टीचर से शादी कर ली। पर उसने मेम साहब से शादी सिर्फ उनके पैसों के लिए की थी। तब से लेकर आज तक मर्लिन मेम साहब की आत्मा इस डाक बंगले में भटक रही थी अपनी मौत का बदला लेने के लिए, और उसने बदला लिया भी। जिस घुंघरुओं से उसने उनकी जान ली थी, एक दिन
वही घुंघरू उसकी मौत का कारण भी बने। लेकिन मार्लिन ने पुष्कर से बदला ले लिया था ना, तो फिर भी उसकी आत्मा मुक्त क्यों नहीं हुई? अब तक क्यों भटक रही है? आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं होती, खासकर ऐसी आत्मा जिसे धोखे और बेवफाई की चिंगारियां पल पल जलाती हो। तो क्या वो पुष्कर से एक बार फिर बदला लेना चाहती है? पता नहीं। मालिक, चाहे पिछले जन्म में पुष्कर ने तुम्हारे साथ जो भी किया, इस जन्म में वो मेरे सुहाग है और मैं उनका बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। परमिता, आंखें खोलो परमिता। ये सब क्या हो गया परमिता? परमिता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। परमिता, पुष्कर, परमिता, आंखें खोलो परमिता। परोमिता, 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 पुष्कर, मैंने तुम्हें जो वो अंग्रेज औरत के बारे में बताया था ना, वो तुम्हारे पिछले जन्म की बीवी है। उसी ने हमारी परोमिता को मार डाला। पुष्कर, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि वो तुम्हें भी मार दे। चलो यहाँ से भाग जाते। बकवास मत करो। परोमिता को किसी आत्मा ने नहीं बल्कि तुमने मारा है। तुमने क्या, ये तुम क्या कह रहे हो पुष्कर? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। भला मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पता लग गया था। प्लान? कैसा प्लान? तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान। क्या? उस रात गाड़ी खराब नहीं हुई थी, बल्कि मदन ने जानबूझकर खराब करवाई थी। हमने एक खूनी को तुम्हारी सुपारी दी थी और इस डाक बंगले में तुम्हें मारने का प्लान बनाया था, और वो आत्मा और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी बहन परोमिता है, जो तुम्हें डराने के लिए सफेद ड्रेस और घुंघरू में इस डाक बंगले में घूमा करती थी। हमने सोचा था कि वो खूनी तुम्हें मार डालेगा और सारा इल्जाम उस बिचारी आत्मा पर आ जाएगा। लेकिन तुम तो दो कदम आगे निकली। हा, तुमने परोमिता को ही मार दिया। पर मुझे तुम, पुष्कर, तुम मुझे क्यों मार देना चाहते थे? मैं तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ पुष्कर। नहीं नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं परोमिता से प्यार करता था। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारी दौलत के लिए, क्योंकि तुम्हारे बाप ने सारी दौलत तुम्हारे नाम कर रखी थी, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो जाती, और फिर मैं खुशी खुशी अपनी परोमिता के साथ शादी कर लेता। चंद रुपयों के लिए तुम मुझे मार देना चाहते थे? मरना तो तुम्हें अब भी होगा। परोमिता का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। पुष्कर, पुष्कर, ये तुम क्या कर रहे हो? पुष्कर, 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 पुष्कर।
कौन हो तुम? जो मर्लिन के साथ हुआ वो मैं प्रीति के साथ नहीं होने दूंगी। तुझे मरना होगा, एक बार फिर तुझे मरना होगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।